तो दोस्तों आगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के जो वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कुछ इस टाइप के फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ, और ये मेरा रियली फोटो देख ही सकते हैं, और ये जो एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारा खेल PNG का है, तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना होगा और वीडियो में लास्ट तक बनना होगा, तभी आप लोगों को PNG वगैरह और इसका फुल इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा कि इस फोटो में क्या से क्या करके एडिटिंग किया हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहेगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रियली फोटो है, और इस फोटो को मैं इस टाइप से एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एक भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोगों को इस टाइप से PNG वगैरह और इस टाइप से सैड लुक फोटो में और इस टाइप से हर एक PNG आप लोग को वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड्स चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अपने रियली जो फोटो है उसको लेकर चला जाना होगा अपने स्नैपशॉट में। तो फ्रेंड्स जो कुछ भी किया हूँ, और इस वीडियो में एक और प्रीसेट दिया हूँ, बहुत ही कमाल का प्रीसेट है, आप लोग चौंक जाओगे एक ही क्लिक में इतना डार्क ब्लैक बैकग्राउंड और स्मूथ फोटो एडिटिंग। तो फ्रेंड्स इसमें प्रीसेट भी है और एक से एक PNG भी है। फ्रेंड्स आप लोग एडिटिंग इस वीडियो को मिस नहीं करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो फोटो स्नैपशॉट में आ जाने के बाद आप लोग क्या करना होगा, टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर जाना है और ट्यून में उस पर चले जाना है। इसका ब्राइटनेस जो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, और एम्बिनेंस है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, और शैडोज को माइनस कर लेना है, और हाईलाइट्स है उसको थोड़ा सा माइनस कर लेना है, और इतना जाना भाई इसको डन कर लेना है, और फिर से चला जाना है टूल्स वाला आइकन पे और डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, और इसका सिचुएशन इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है और शार्पनिंग को भी बढ़ा लेना है। तो फ्रेंड्स इससे होता है कि इस फोटो का क्वालिटी और भी तगड़ा हो जाता है, जैसे फोटो में और भी ज़्यादा दम आ जाता है। फ्रेंड्स तो यही होता है, और इसको बाकी के पार्ट से इरेज कर देना है, सिर्फ इसको बालों पे ही अप्लाई करना है, जैसे करके आप लोगों को सिर्फ अपने हेयर पे अप्लाई कर लेना है, आईब्रो पे, ठीक है। फ्रेंड्स इतना हो जाना इसको डन कर लेना है, और इसका बस यहाँ से बैक आ जाना है, और फिर से आप लोगों को सिलेक्टिव टूल पे चले जाना है, और जहाँ पे भी ब्राइटनेस कम है उसको वहाँ पे ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर से चले जाना है टूल्स वाला आइकन पे, और उसके बाद से टोटल कंट्रास्ट पे क्लिक कर देना है, हाई टोन है उसको पूरा माइनस कर लेना है, मीडियम टोन भी माइनस कर लेना है, और इसका लो टोन है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, और इसके बाद से इसको डन कर लेना है फ्रेंड्स। और फिर से चला जाना है टूल्स वाला आइकन पे, और पोर्ट्रेट मोड पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद से यहाँ पर स्क्रीन स्मूथ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, और हाई क्लियरिटी भी इंक्रीज कर लेना है, और इतना जाना इसको डन कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ देख ही सकते हैं फोटो का क्वालिटी बिफोर एंड आफ्टर। तो फ्रेंड्स इतना जाना बस इसको इस फोटो को क्या करना है कि सेव कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। और फोटो सेव हो जाने के बाद से क्या करना है, इसको इस फोटो पे क्या करना है कि रैम नहीं यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोगों को फोटो पे रैम नहीं यूज करना होगा, ताकि फोटो का क्वालिटी बरकरार रहे, फोटो का क्वालिटी बना रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, और तभी आप लोगों का इस टाइप का फोटो एडिटिंग हो पाएगा। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस टाइप से एडिटिंग कर लीजिएगा तो हमको इंस्टाग्राम पे जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हम भी देखें कि हाँ यार वीडियो देख के सीख रहे हैं आप लोग। फ्रेंड्स आपने नेट को ऑन कर लेना है, और इसको रेमिनी के अंदर लेकर चले जाना है। फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा कि फ़ोटो को और भी ज़्यादा डिटेल आ जाएगा, और फोटो का क्वालिटी एकदम अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे इनपुट होगा, तो आप लोगों को एड वगैरह देखने के लिए मिलेगा, आप लोगों को एड को वॉच कर लेना है, और फिर से आपने फ़ोटो को सेव कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप मेरा फोटो प्रोसेसिंग में है, तो यहाँ थोड़ी देर वेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रेमी को यूज कर लिया, अगर आप लोगों के फ़ोटो में क्वालिटी नहीं आ रहा होगा तो आप लोग रेमी मारिएगा फिर, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों को फोटो में क्वालिटी होगा तो रेमनी यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो अच्छा खासा फोटो ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरे फोटो में क्वालिटी नहीं था तो मैंने रेमनी का यूज किया, तो यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो इस फोटो को सबसे पहले क्या कर लेना होगा, शेयर कर लेना होगा अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो यहाँ से शेयर कर लेना अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में, और वहाँ पर एक PNG यूज करने वाला है, तो PNG का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरा फोटो आ चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन में, और ये रहा मेरा प्रीसेट। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रीसेट डाउनलोड कर लेना होगा, और इस प्रीसेट का जो सेटिंग है वो कॉपी कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ से यहाँ पे कॉपी सेटिंग का इस प्रीसेट का सेटिंग कॉपी कर लेना है, और अपने फोटो में ले जा करके फेस्ट कर देना है, जबकि एक ही क्लिक में फोटो बिल्कुल से बेहतर तरीके से एडिटिंग हो चुका है। और इतना हो जाने बस आप लोगों को क्या करना है, इस फोटो को स्मूथ करना है, तो इसके लिए आप लोगों को शेयर कर लेना है इस फोटो को अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में।
तो सेम स्टेप फॉलो करना है फ्रेंड्स, सब वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोग अच्छे से PNG वगैरह हर एक चीज़ एडजस्ट कर पाएंगे, फोटो को फुल HD में बना पाएंगे। तो यहाँ से शेयर कर लेना अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में, और सेम आप लोग जो ब्रश यूज करते हैं उसी को ले लेना, और इसका सेटिंग्स भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, सेम सेटिंग यहाँ पे रख लेना है, और इसका वो जो है स्मूथ कर लेना है, सेम सेटिंग रख लेना है। अलग अलग तरीके से एक ही वीडियो में एक ही तरह को स्मूथ करना, बार बार एक ही बात बताना, समझने वाले लोग एक ही वीडियो देख के एक ही बार में समझ में आ जाता होगा, तो आप लोगों को यही करना है फ्रेंड्स। तो इसी ब्रश का यूज करना है और अपने पूरे ऐसे फोटो पे करके अप्लाई कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। सेम स्टेप आप लोगों को करना है, और ऐसे आप लोगों को स्मूथ करना आता ही होगा, तो ऐसे करके आप लोगों को अपने फोटो को स्मूथ कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं वीडियो को फास्ट कर दे रहा हूँ, और फ्रेंड्स चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने देख ही रहे होंगे तो कितना वगैरह PNG वगैरह लगा है इस वीडियो में, कितना मेहनत लगा होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ से मैं वीडियो को फास्ट कर दे रहा हूँ। और अपने हैंड्स को भी स्मूथ कर लेना होगा, और फ्रेंड्स इसको बाल भी यूज नहीं करना, नहीं तो आप लोग का फोटो भी बेकार हो जाएगा। यहाँ पर सभी स्किन का फोटो स्मूथ कर लेना होगा। फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बना रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अभी आप लोगों को वीडियो में बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल से नया कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को मिस मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इतना दिन इस फोटो को शेयर कर लेना अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो फोटो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आगे नंबर क्या करना है, रिटच वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से अपने लिप्स को थोड़ा सा कलर करना है, तो इसके लिए हाई कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ कलर पे आके रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से इसको डन कर लेना है, और यहाँ से आप लोगों को इस ऑरा वाले निशान से बैक आ जाना है, और इसको सिर्फ अपने लिप्स पर अप्लाई कर देना है। लिप्स पे अप्लाई हो जाने बस इसका अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, और सिचुएशन के लिए यहाँ पे आप लोग अपने फोटो को अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ से इसको डन कर लेना है, और उसमें फिर से आपको पिक्सल वाला ऑप्शन से चले जाना है, और स्टेट लिखा है उस पर क्लिक कर देना है, और इसका साइज इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, और यहाँ से अपने हेयर को ऐसे करके उठा लेना है, हेयर का लुक चेंज करना है ऐसे करके। और इतना जाने बाद इसको डन कर लेना है, तो आप देख ही सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो इस वीडियो में पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में सिर्फ इतना ही करना है, और सेव कर लेना है, और फिर से लेकर चले जाना है इस फोटो को अपने Lightroom एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेना है अपने Lightroom एप्लीकेशन में। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग भी सेम कीजिएगा, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या से क्या करके इस फोटो को एडिटिंग किया हूँ। तो फिर से Lightroom में आ जाने बस से आप लोगों को लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और ब्लैक इसको थोड़ा सा माइनस कर देना है, व्हाइटनेस को इंक्रीज कर देना है, और शैडो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, लाइट को माइनस में कर देना है, और कंट्रास्ट इसको भी माइनस में कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कलर वाला ऑप्शन पर चले जाना है, और मिक्स पे क्लिक कर देना है, और फर्स्ट में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा रेड टोन, इसका सिचुएशन को प्लस में कर देना है, और लुमिनस को हल्का से इंक्रीज कर देना है। उसके बाद से आप लोगों को ऑरेंज टोन पे चले जाना है, इसका सिचुएशन माइनस में कर देना है, और लुमिनस इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है फ्रेंड्स। तो इतना जाना भी इसको डन कर लेना है। अब क्या करना होगा कि इस फोटो का बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को निकालना होगा, तभी यहाँ पे जो रिमूव हुआ था
जो कंकाल का फोटो लगा हुआ था, पीएनजी लगा हुआ था, वो आप लोग एडजस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को शेयर कर लेना इस फोटो को अपने स्नैपशीट एप्लीकेशन में। तो स्नैपशीट में आप लोगों को पता नहीं होगा कि बैकग्राउंड को कैसे निकालते हैं, फोटो को हटा के सिर्फ बैकग्राउंड को कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को टूल्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है और हीलिंग टूल को सिलेक्ट कर लेना है और ऐसे करके अपने फोटो पे ड्रॉ कर लेना है फ्रेंड्स। तो एक बार में नहीं हो पाएगा तो दो तीन बार में करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इतना रिमूव हो गया, फिर आप लोगों को इतना आधा पार्ट को रिमूव करना फिर से भी रिमूव हो गया। इसके बाद आप लोगों को पूरे पार्ट पे ऐसे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे करके आप लोगों को रिमूव कर देना है। तो रिमूव हो जाने के बाद इस बैकग्राउंड है जो, इसको सेव कर लेना है फ्रेंड्स। तो इसको इसलिए मैं सेव कराया हूँ कि आप लोगों को जब वो बैकग्राउंड है बीच में गैप है, वो कंकाल का फोटो लगाना है, पीएनजी लगाना है, उसमें आप लोगों को काम आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको डन कर देना है। उसके बाद से आप लोगों को क्या करना होगा, तो फ्रेंड्स उसके बाद आप लोग जो लाइटरूम में फिर से दोबारा फोटो इनपुट किए थे उस फोटो को शेयर कर लेना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो वहाँ से आप लोगों को शेयर कर लेना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद से क्या करना होगा, एड फोटो पे जाके अपने बैकग्राउंड को जो इरेज किए थे उस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ से बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है और उसको फुल स्क्रीन पे ऐसे कर लेना है और इरेज वाला ऑप्शन फिर से लेना है और इसको इन्वर्ट कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप लोग को ऐसे कर लेना है, हार्डनेस को पूरा फुल कर लेना है और ऐसे कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे करके प्रोसेस कर लेना है और उसके बाद से यहाँ पे जो बाकी के बीच के पार्ट है उसको ऐसे करके इरेज कर देना है फ्रेंड्स। आप लोगों को वीडियो में ध्यान, वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को अच्छे से समझिए फ्रेंड्स, तभी आप लोगों को एडिटिंग आएगा, इस टाइप से फोटो बना पाएंगे। तो ऐसे करके आप लोगों को इरेज कर लेना है, बहुत ही आसान स्टेप है। ऐसे करके इरेज कर लेना है पूरे अपने फोटो को, ऐसे करके जो बीच वाला कपड़ा है उसको इरेज कर लेना है। यहाँ से मैं इरेज कर ले रहा हूँ और आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है फ्रेंड्स। हो चुका है, जैसे लग रहा है कि हाँ सच में बीच में गैप है, ऐसा फोटो शूट हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना जाना भाई इसको डन कर लेना है और डन करने के बाद से मैं जो जो पीएनजी दे रहा हूँ सभी पीएनजी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं जैसे करके आप लोग सर्च करके दिखाऊंगा वैसे करके आप लोग भी वैसे डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से मैं जो पीएनजी है उसको ऐड कर ले रहा हूँ, तो इसके लिए ऐड फोटो को क्लिक कर देना है और यहाँ से जो एक कंकाल वाला पीएनजी है यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जा रहा है, तो इसको ऐड कर देना है। तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे करके सेम आप लोगों को ऐसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे आप लोगों को इसका ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद से आप लोग यहाँ पे एडजस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इसका क्लियरिटी इसको पूरा फुल इंक्रीज कर देना है, कंट्रास्ट इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है, उसके बाद से डन कर लेना है। इरेज वाला ऑप्शन पे चले जाना है और इसको इन्वर्ट कर लेना है और सिर्फ जो बीच में आप लोगों का खाली पार्ट है उसमें अप्लाई कर देना है इसको। तो फ्रेंड्स इसको यहाँ से ऐसे करके अप्लाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ इस टाइम में घर पे नहीं हूँ इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वीडियो आप लोग के पास टाइम से नहीं आ पा रहा है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ हर रोज़ एक वीडियो लाने के लिए। और आप लोग ऐसे जो प्यार सपोर्ट है बनाए रहे हैं, फिर आप लोगों को एक से एडिटिंग सीखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सेम आप लोग ऐसे अप्लाई कर लेना है जो कि बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसे करके सेम आप लोग पीएनजी को एडजस्ट कर लेना है ताकि देखने में आप लोगों को लग ही रहा होगा हाँ रियली में ऐसा हुआ है फ्रेंड्स। तो इतना जाना इसको डन कर लेना है और सारा कुछ जो पीएनजी आप लोगों को पिक्सआर्ट के अंदर ही मिल जाएगा आप लोगों को पता भी होगा, तो स्टिकर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आप लोगों को नेट ऑन कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को सर्च बार में चले जाना है
और आप लोगों को टाइप कर लेना है फायर फायर इफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जो जो आप लोग कर रहा हूँ सेम वैसे ही आप लोगों को करना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा ए वाला पीएनजी, इसको इनपुट कर लेना है और ऐसे करके अपने टी शर्ट जो है वहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। उससे पहले आप लोग को ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना है, इसको स्क्रीन कर लेना है और इरेज वाला फोन पर जाके और बाकी के पार्ट जो है ऐसे करके इरेज कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आप लोग भी आ जाएगा, इससे अच्छे आप लोग भी एडिटिंग कर पाएंगे। इतना जाना इसको डन कर लेना है और फिर से इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना देना है और उसको ऐसे नीचे की तरफ ले जा करके एडजस्ट कर देना है। और इसको जो बाकी का पार्ट है नीचे वगैरह आया है उसको ऐसे करके इरेज कर लेना है। ठीक है, और इतना जाना इसको डन कर लेना है और फिर से आप लोगों को चले जाना है स्टिकर वाले ऑप्शन पे और वहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, फिर से वही इफेक्ट सर्च करना होगा और आप लोगों को फिर से चले जाना होगा यहाँ पे इस वाले पीएनजी है उसको ऐड कर लेना है और इसका ब्लेंडिंग मोड है उसको स्क्रीन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे करके आप लोगों को ऐसे आप लोगों को यहाँ पे पीएनजी है उसको एडजस्ट कर लेना है और यहाँ से बाकी पार्ट है उसको ऐसे इरेज कर लेना है। ठीक है, इसको डन कर लेना है, फिर से इसका भी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना है, ऐसे अपने कपड़े पर लगा देना, इसका ओपेसिटी है थोड़ा सा कम कर लेना है और यहाँ से इसको डन कर देना है। ठीक है, और फिर से आप लोग को स्पीकर वाला ऑप्शन पर चले जाना है। आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये सब पीएनजी में यहीं से ऐड करता हूँ, कुछ डाउनलोड भी नहीं करता हूँ। और यहाँ पे आप लोग सर्च करना होगा हेल्प मी, तो हेल्प मी सर्च करने के बाद आप लोग नीचे आना है। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि आप लोगों को इसके अलावा और कोई भी पीएनजी चाहिए होगा तो यहीं से आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा और अपने पीएनजी को यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, उतना हो जाने बस आप लोगों को देखिएगा वो वाला पीएनजी जो अपने फ़ोटो में लगाया था उसको इनपुट कर लेना है अपने फ़ोटो में और यहाँ पर ले जाकर इसको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ से इसको डन कर देना है। उसके बाद आप लोग क्या करना होगा, वीडियो वाला ऑप्शन पर चले जाना है, फिर से यहाँ पर हेयर कलर वाला ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर से रेड कलर को सिलेक्ट करके डन कर देना है और यहाँ से बैक आ जाना है और इसको सिर्फ ऐसे आँख में जो है उसको अप्लाई कर लेना है ताकि लगे हाँ कि आँख रेड रेड हुआ है और ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। तो ऐसे करके अपने पूरे आँख में अप्लाई कर देना और इसको डन कर देना है। ठीक है, उसके बाद से मैं एक पीएनजी को ऐड किया हूँ, टीयर पीएनजी है, उसको भी आप लोगों को स्टिकर में सर्च कर लेना है, टीयर लिख देना है, TEAR। वो आप लोगों को यहाँ पे सेकेंड नंबर पे मिल जाएगा, थर्ड नंबर पे, तो इसको आप लोग ऐसे करके अपने फोटो में एडजस्ट कर लेना है ताकि देखने में हाँ लगे रियली में ऐसा लगे। इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देना है और इसको डन कर लेना है। इतना हो जाना वैसे फिर से आप लोग को स्टिकर वाले ऑप्शन पे चले जाना है और फिर से वही चीज़ करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे फायर इफेक्ट को सर्च कर लेना है और यहाँ से जो आप लोग ये वाला पीएनजी देख रहे होंगे इसको अपने फ़ोटो में इनपुट कर लेना है और ये फोटो पे आ जाना भाई, इसको जूम कर लेना है और इरेज वाला ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ से जो भी यहाँ पे पीएनजी का वगैरह है वो फोटो पे आया है वहाँ से इरेज कर लेना है, सिर्फ बैकग्राउंड में रख लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, और इतना जाना भाई इसको डन कर देना है। तो फ्रेंड्स फाइनली फोटो एडिटिंग हो चुका है। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो फिर से मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग।